हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रदीप लीगल हेल्प में। मैं आपका दोस्त प्रदीप गौड़ एडवोकेट। आज मैं आपको बताऊंगा गुंडा एक्ट क्या है, गुंडा एक्ट किन लोगों पे लगता है, गुंडा एक्ट लगने पर कितनी सज़ा का प्रावधान है, गुंडा एक्ट से संबंधित संपूर्ण जानकारी। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारा चैनल प्रदीप लीगल हेल्प पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी कि घंटी को अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, गुंडा एक्ट अधिकतर इलेक्शन के समय लगता है क्योंकि नेता लोग गुंडा लोगों का सहारा लेकर, उनकी मदद लेकर समाज में राजनीतिक दबाव ना बना पाएँ। राजनीतिक दबाव अर्थात लोगों पर खौफ ना बना पाएँ। गुंडा एक्ट ऐसे लोगों के विरुद्ध अर्थात ऐसे लोगों पे लगाया जाता है जिनका एक से अधिक क्रिमिनल मामला पहले से चल रहा होता है या उनके ऐसे कृत्य होते हैं, ऐसा व्यक्तित्व होता है जैसे लड़कियों को छेड़ना, समाज में शांति भंग करना, गाली गलौज करना, मारपीट करना। इलेक्शन के समय पुलिस अपने इलाके के ऐसे लोगों को ढूंढती है और एक लिस्ट तैयार करती है। वो लिस्ट एसएसपी महोदय को भेजती है। एसएसपी महोदय के वहाँ से वो लिस्ट डीएम के वहाँ जाती है, डीएम अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के वहाँ से अभियुक्त लोगों को एक नोटिस जाती है कि क्यों ना आपको 6 महीने के लिए आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। नोटिस प्राप्त होने के बाद अगर अभियुक्त कोर्ट में नहीं जाता है तो एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है। एक्स पार्टी ऑर्डर अर्थात एक पक्षी निर्णय हो जाता है। एक पक्षी निर्णय की अवहेलना करने पर अभियुक्तों पर यूपी गुंडा एक्ट की धारा 3/10 लगाकर उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था गुंडा एक्ट का प्रोसेस और गुंडा एक्ट किन लोगों पर किस समय कैसे लगाई जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल प्रदीप लीगल हेल्प को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।